मुझे बहुत खुशी हो रही है बिकॉज मेरी पहली पिक्चर जवानी यहाँ पर शूटिंग हुई और 1984 में शूटिंग की और तो कश्मीर मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल है, मेरे दिल के बहुत करीब है एंड मेरे काफ़ी हिट गानों यहाँ पर शूटिंग हुई जैसे खुद कर्ज के, गोविंदा के साथ और बहुत सारे. और इतने सालों के बाद मैं वापस आ रही हूँ और मैं वही जोश देख रही हूँ, वही सॉर्ट ऑफ जो पहले के पॉजिटिविटी वापस आ रही है और जो यूथ है और यहाँ पर जो विंटर फेस्टिवल है, जो मैंने टैलेंट देखी, यू नो द यूथ, दे आर सिंगिंग सो ब्यूटिफुली, दे आर डांसिंग सो वेल. तो आई जस्ट फील कि बहुत खुशी हो रही है कि आई फील दैट मोर एंड मोर यूथ हैव टू कम आउट देयर एंड follow their dreams and their passion. देखिए कश्मीर का और बॉलीवुड का बहुत पुराना एक रिश्ता रहा है. मतलब आप जाएं 1960-65 पुरानी फिल्में हुआ करती कश्मीर की, कली, शम्मी कपूर, शशि कपूर, फिर अमित जी भी के क्या गाने हैं जो मैंने एक गुनगुनाया भी था कि क्या तस्वीर है ये कश्मीर है. तो ये सिलसिला बहुत पहले से हमारा जो रिश्ता रहा है, बीच में जो कुछ तनाव हुआ है जिसका जो मतलब उसकी वजह से आई थिंक ना ही जो लोग कश्मीर में रहते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ शूटिंग करते हैं कश्मीर लोगों को भी फ़ायदा रहता है कि यहाँ पर काम है, मिलता है, सब कुछ है, प्रोग्रेस होती है, टूरिज्म बढ़ता है और हम लोगों को भी कश्मीर की जगह कभी कभी स्विट्ज़रलैंड जाना पड़ता था तो एक थोड़ा सा लग रहा था कि डिस्टेंस हो गया है. और यहाँ तक कि पाँच छः साल पहले मैं आया था यहाँ पे और मेरी बेटी कोई जो अब 9 साल की है तो उस समय 3-4 साल की थी तो दिल में एक आवाज़ आ रही थी यार पता नहीं कल क्या होगा, आज जैसा बच्चों को दिखा दें कि कश्मीर तो बहुत कुछ हुआ. पहले तो ऑब्वियसली मतलब ये सेकंड घर माना जाता था कि मतलब जितने बड़े बड़े फिल्म स्टार थे यार कहाँ रवि में कहाँ जाएंगे यार कश्मीर जाएंगे. तो बीच में जो अब जो मीडिया हमें बताता है हम उसी को समझते हैं. ये तो किसी को कुछ मालूम नहीं है कि असल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. जो जो पढ़ने को मिलता है, कुछ देखने को मिलता है तो आदमी में एक हिचक सी हो जाती है कि यार पता नहीं सेफ है कि नहीं है. और उसका एक हाथ रहा है कि जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं उनका और टूरिज्म का भी यहाँ पर आने का जो फ्लो रहा है वो कम करने का, जो एक जो माहौल बनाया गया या मीडिया में. मगर आजकल आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह हमें दिखाया जाता है, बता रहे हैं हमारे को और खुद अब मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जैसे हम लोग आए मैं भी वापस जाऊँगा ही, हम लोगों को बताऊँगा भाई देखो ऐसा एक्सपीरियंस था और फिर से शूटिंग स्टार्ट होगी. तो देखिए एंड में सच्चाई क्या है क्या नहीं है वो आप 100 हज़ारों किलोमीटर दूर बैठ के नहीं बोल सकते, वो आपको है आप लोगों के माध्यम से ही हम लोगों को पता चलता है, न्यूज़ चैनल हो या अखबार हो. तो मगर खैर जो हुआ सो हुआ, जो था मुझे इस समय बहुत खुशी है और मैं आर्मी ऑफिसर्स के साथ मिला, सिपाही सोल्जर्स के साथ और मेरा सर गर्व से ऊंचा है क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन में जो लोग एक मुद्दा बना रहे थे या कश्मीर और बाकी देश में कुछ अनबन बना रहे थे वो आस्ते आस्ते दूर हो रही है और फोकस वापस कल्चर, प्यार, मोहब्बत और जो कश्मीर की जो क्या कहते हैं मेहमान नवाजी है, उनकी जो कल्चर है, जो अपनापन है, वो देख के मुझे बहुत 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 खुशी हुई. थैंक यू सर. आपने अभी खुद देखा है कल भी काफ़ी रश था यहाँ पे, आज भी अच्छे खासी रश है. ये इसके बावजूद है कि एक टूरिस्ट जब यहाँ पे आता है तो उसका एक रूटीन फिक्स होता है, उसके बावजूद यहाँ पे नफरी इसको देखने की आई है. और ये जो एक इस तरह के जब इवेंट होते हैं 2-3 दिन के अंदर तो लोगों को बाहर एक मैसेज जाता है
कि अगर सब लोग यहाँ पे आके गाना गा रहे हैं, म्यूजिक कर रहे हैं, स्पोर्ट्स चल रहा है, कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, तो उनको ये मालूम चलता है कि यहाँ पे हालात अच्छे हैं। तो ये भी बड़ा जरूरी है कि इस तरह की इवेंट हो, और सक्सेस जब ठीक ठाक हो जाए तो उसके बाद में और लोग यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे। जाहिर है उसे हमारे कश्मीर की इकोनॉमी पे काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। फौज की तैयारियाँ आप कश्मीर वादी के अंदर बता रहे हैं, तो इसी तरह के और फेस्टिवल्स होते रहेंगे। पूरे साल का हमारा कैलेंडर तैयार है, आप लोग उसमें शरीक होना है और उसको कवर करना है, ताकि पूरी दुनिया में, देश में ही नहीं पूरी दुनिया में एक मैसेज आना चाहिए कि यहाँ पे एक अमन शांति का माहौल है, यहाँ के लोगों को अमन शांति चाहिए, और जो हमारे देश के दुश्मन हैं उनको पता चलना चाहिए कि भाई हमें डिस्टर्ब मत करो, लोग खुश हैं और इस खुश को परमानेंट होने की हमें परमानेंट होने दो।